दोस्तों आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन मिस्ट्री हॉरर मूवी लाया हूं, जिसका नाम है टैरट। फिल्म के स्टार्ट में हम एक कपल जूली और ट्रिस्टन को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वहां उन्हें एक टैरट कार्ड रीडर का टेंट दिखाई देता है और जूली ट्रिस्टन से अपने कार्ड्स रीड करवाने का कहती है। अंदर एक मैडम हरलीना थी जो उन्हें देखते ही गेस कर लेती है कि वो लोग शादी करने वाले हैं। देन वो उन्हें डेक में से 10 कार्ड्स उठाने का कहती है और बोलती है कि ट्रिस्टन के पास एक स्पेशल टैलेंट है जिसे वो हर किसी से छुपाना चाहता है, इवन खुद से भी। साथ में हरलीना ये भी बताती है कि उनकी जिंदगी में पास्ट में से कोई आएगा जो उन दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो उनके आसपास वाले लोगों को भी हर्ट करेगा। वो पास से आया इंसान डिसअपॉइंटेड और गुस्सा होगा और उन्हें उसकी नफरत की कीमत जिंदगी देकर पे करनी होगी, अपनी या अपने किसी प्यारे की। ट्रिस्टन को लगता है कि हरलीना उन्हें डराने के लिए ये सब कह रही है, मगर हरलीना बोलती है कि उसकी रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट होती हैं। अगले सीन में हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब जूली ट्रिस्टन के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने जाती है। वहाँ उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, जिनसे हम जान पाते हैं कि उसकी एक ट्विन सिस्टर सोफिया भी थी जिसका जन्म से ही फेस डिसफिगर्ड था। उसके बाद मेड उन्हें रूम सेट होने का बताकर अपने घर जाने की परमिशन मांगती है तो जूली उससे पूछती है कि तुम इधर ही क्यों नहीं रहती, जिस पर वो कहती है कि मुझे यहाँ अकेले रहने से डर लगता है। उस रात कुकिंग करते हुए जूली नोटिस करती है कि किचन में नमक नहीं है तो ट्रिस्टन मार्केट से नमक लेने जाता है। उसके जाने के बाद जूली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। किचन में वापस आने पर उसे लगता है कि शायद ट्रिस्टन उसके साथ प्रैंक कर रहा है तो वो ट्रिस्टन की कॉल आने पर उससे पूछती है कि तुम कहाँ छुपे हो, मगर ट्रिस्टन मार्केट में था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल में जूली की फ्रेंड्स वानी और सबरीना उसे एक पोस्टर दिखाते हुए सोफिया का मजाक उड़ाती हैं और ये भी कहती हैं कि वो सोफिया को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहती क्योंकि इस तरह स्कूल में उनकी रेपुटेशन खराब हो रही थी, मगर जूली उन्हें सोफिया के बारे में ऐसी बातें करने से मना करती है। उसके बाद जब सोफिया के साथ बैठने पर वानी और सबरीना उठकर चली जाती हैं तो जूली अपनी बहन के साथ ही रहती है, जिससे उसकी फ्रेंड गुस्सा हो गई थी और सोफिया को बुली करते हुए उसके ऊपर पानी फेंकती हैं, जिस वजह से सोफिया घर जाकर जूली से बात नहीं करती। उसे लगता था कि जूली भी उसका ख्याल रखने का सिर्फ प्रिटेंड करती है, असल में सोफिया जूली से काफी जेलस थी। एक रात वो जूली को धक्का देकर स्टेयर से नीचे गिरा देती है जिससे जूली बेहोश हो गई थी और सोफिया उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। इस सब के बाद सोफिया को अपनी मॉम से काफी डांट भी पड़ी थी, वो अक्सर इस तरह की हरकतें करती रहती थी, जिसके बाद उसकी जूली के लिए नफरत को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने जूली को वहां से दूर भेज दिया था। देन एक रात जूली ने घर कॉल करके बताया कि मैं कल घर वापस आ रही हूं, मगर सोफिया उसे कहती है कि अगर तुम वापस आई तो मैं खुद को मार डालूंगी। जूली को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, वो बोलती है कि जो करना है कर लो। एंड देन जूली घर वापस आकर देखती है कि सोफिया ने एक्चुअली खुद को मार डाला था। उसके बाद हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ जूली अचानक नींद से जागती है तो उसे अपने नी पर एक स्कार नजर आता है जैसा कि सोफिया की नी पर होता था। लेटर ऑन जूली अपने बुक स्टोर पर जाती है जहां से उसे एक बुक टैरट मिलती है, उसमें टैरट कार्ड्स का बॉक्स भी था। उस रात ट्रिस्टन से कॉल पर बात करते हुए बालकनी का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और उसका स्कार्फ उड़ता हुआ बाहर चला गया था। एंड जब जूली नीचे अपना स्कार्फ लेने जाती है तो उसे याद आता है कि कैसे सोफिया ने बालकनी से जंप कर अपनी जान दे दी थी। सडनली जूली के पेट से खून निकलने लगा था और उसे सामने सोफिया की डेड बॉडी भी दिखती है। जूली डरकर अंदर भाग जाती है मगर ये सब सिर्फ उसका विजन था। बाहर वापस जाकर जब वो अपना स्कार्फ लेती है तो उसमें सोफिया का रिबन भी था, जिसे जूली सोफिया के रूम में जाकर उसके म्यूजिक बॉक्स में रख देती है। वापस अपने रूम में जाने पर उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और अचानक से लाइट्स भी बंद हो गई थी। जूली बाहर चेक करने जाती है तो कोई एंटिटी उसे खींचकर अंधेरे में ले गई थी। उसके बाद अगले दिन ट्रिस्टन उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एंड देन जब वो ट्रिस्टन की मॉम के साथ वेडिंग गाउन लेने जाती है तो ट्रायल रूम में उसे अपने शोल्डर पर ब्रूसेस दिखते हैं। जूली ये देखकर परेशान हो गई थी तो वो हरलीना के पास जाकर बताती है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। हरलीना उसके कार्ड्स देखकर बोलती है कि तुम्हारे पास्ट में से कोई डेड पर्सन है जो अभी भी तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को भी मारना चाहता है और तुम्हें और ट्रिस्टन को भी। ऐसा लगता है कि वो तुमसे हर चीज छीन लेगा। हरलीना जूली को ट्रिस्टन के साथ रहने की एडवाइस देती है। उसके बाद जूली सबरीना को कॉल करके टैरट कार्ड रीडिंग्स और अपने साथ होने वाली स्ट्रेंज सुपरनैचुरल चीजों के बारे में बताती है। वो चाहती थी कि सबरीना और वानिया के साथ कुछ भी बुरा ना हो। देन सबरीना ये सब वानिया को बताती है और कहती है कि हमने सोफिया के साथ कुछ बुरा किया था, इसलिए शायद वही अब हमें मारना चाहती है, मगर वानिया उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती।
और कहती है कि जूली को बोल देना मुझसे दोबारा कभी कॉन्टेक्ट ना करे। मगर कॉल बंद होने के बाद उसे अपने रेस्टोरेंट के किचन से कुछ आवाजें आती हैं और सोफिया की आत्मा उसे हॉन्ट करती है। वानिया वहां से भागने की कोशिश करती है मगर दरवाजा लॉक था और तभी सोफिया की आत्मा सामने आकर उसे मार डालती है। लेटर ऑन सबरीना जूली को वानिया की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करके बताती है कि उसकी डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में है। उसके बाद सोफिया की आत्मा सबरीना को भी हॉन्ट करने लगी थी। वो भागने की कोशिश करती है मगर सोफिया पीछे से अटैक करके उसे भी मार डालती है। अगले सीन में जूली वॉशिंग मशीन के पास होती है तो हम उसके पीछे सोफिया की आत्मा को देखते हैं मगर जूली के देखने पर वो गायब हो गई थी। तभी अचानक से उसे मशीन के अंदर ब्लड नजर आता है। पास ही सोफिया का रिबन भी पड़ा था। जूली ये देखकर डर जाती है। वो भागकर रिबन वापस सोफिया के रूम में रखाती है। लेटर ऑन नहाते हुए सोफिया की आत्मा जूली पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है मगर तभी ट्रिस्टन वहां आ गया था। जूली उसे बताती है कि सोफिया मुझे परेशान कर रही है, उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ खत्म की थी और अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। वो ये भी बताती है कि सबरीना और वानिया उसे तंग करते थे इसलिए उसने उन्हें भी मार डाला। कुछ टाइम बाद ट्रिस्टन को भी सोफिया की स्पिरिट दिखती है मगर उसे लगा था कि वो जूली है तो वो उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है जहाँ सोफिया का रिबन अचानक से उसके सामने गिरता है और हम देखते हैं कि सोफिया पेड़ से ट्रिस्टन को देख रही थी। उधर जूली की भी दरवाजे की आवाज से आंख खुल जाती है और उसे वहाँ सोफिया का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो डरकर चादर में छुप गई थी एंड देन सोफिया उसे हॉन्ट करती है। जूली डरकर रूम से बाहर आ जाती है मगर तभी एक चेयर ने आगे आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। सो जूली जल्दी से सोफिया के रूम में चली जाती है जहाँ एक ड्रॉर खुद से खुलकर उसके सर पर लगता है जिसमें से उसे सोफिया की डायरी मिलती है। डायरी पढ़कर जूली को पता चलता है कि ट्रिस्टन सोफिया को डेट कर रहा था मगर फिर एक दिन सोफिया जान गई कि असल में वो जूली से प्यार करता है और इससे डिसहार्ट होकर सोफिया ने खुद की जान ले ली। मीनवाइल ट्रिस्टन वहां आता है और जूली उससे पूछती है कि तुमने अपने और सोफिया के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। मगर ट्रिस्टन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो पहले दिन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें गिफ्ट भी देना चाहता था मगर तुम उस स्कूल से जा चुकी थी। एक दिन सोफिया को देखने पर मुझे लगा शायद तुम हो और इस तरह मेरी उससे दोस्ती हो गई मगर उसने मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाला। जिस पर जूली कहती है कि सोफिया हम दोनों से नफरत करती है और हम में से किसी एक को मारना चाहती है ताकि दूसरा सफर करे। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और चेक करने पर पता चलता है कि किसी ने जूली का वेडिंग गाउन खराब कर दिया है एंड सडनली सोफिया की आत्मा उन पर बेड से अटैक करती है मगर वो दोनों किसी तरह बचकर बाहर भाग जाते हैं। अब वो हरलीना से मिलना चाहते थे मगर गार्ड बताता है कि वो यहाँ से चली गई है और ऑनलाइन कार्ड रीडिंग करती है लेकिन उन्हें उसकी वेबसाइट नहीं मिलती। घर वापस जाने पर ट्रिस्टन रिवील करता है कि वो भी कार्ड रीड कर सकता है। ये एबिलिटी उसके पास बचपन से थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर टैरट कार्ड रीडर थे। मगर तभी उसकी मॉम आकर बताती है कि उसने ट्रिस्टन के कार्ड्स फेंक दिए थे। देन जूली ट्रिस्टन को उन कार्ड्स का बताती है जो उसे अपनी शॉप से मिले थे एंड उसके बाद जब ट्रिस्टन कार्ड्स रीड करना स्टार्ट करता है तो सोफिया की आत्मा उन्हें हॉन्ट करने लगती है और ट्रिस्टन जूली से कहता है कि सबसे डील करने के लिए उसे अपने अंदर डीपली देखना होगा। उनके एक कार्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देनी होगी एंड दूसरे कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते। टेंथ कार्ड बताता है कि सब कुछ रिजॉल्व होने के बाद एक चेंज आएगा। ट्रिस्टन जूली से कहता है कि हमें सोफिया को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा सो उसकी किसी चीज के बारे में सोचो। यहाँ जूली को हरलीना की बात याद आती है, उसने कहा था कि इस दुनिया में आत्माएं अपनी किसी फेवरेट चीज से जुड़ी होती हैं, तो वो ट्रिस्टन को उस म्यूजिक बॉक्स और रिबन के बारे में बताती है। अब उनका प्लान था कि सोफिया को उस बॉक्स के थ्रू बुलाकर उस रिबन को जला डालें, तो वो म्यूजिक बॉक्स प्ले कर देते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है और ऊपर जाने पर उन्हें सोफिया वहां खड़ी दिखती है मगर इससे पहले कि ट्रिस्टन वो रिबन जलाता वो अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है जिससे ट्रिस्टन को काफी सीवियर चोट लगी थी। बट वो जूली से रिबन जलाने के लिए कहता है। जूली रिबन पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उड़ जाता है और सोफिया दोबारा उस पर अटैक करती है। अब की बार उसे रिबन स्विमिंग पूल में नजर आता है, वो उसे लेने की कोशिश करती है तो एक कांच का टुकड़ा अचानक से गिरकर उसके हाथ में लगता है मगर जूली फिर भी किसी तरह रिबन पूल से निकाल लेती है। ट्रिस्टन लाइटर उसकी तरफ फेंक कर रिबन जलाने का कहता है मगर तभी सोफिया ट्रिस्टन को हवा में लेविटेट कराकर नीचे कांच के टुकड़े फैला देती है। ट्रिस्टन अब भी जूली को रिबन जलाने का कह रहा था मगर जूली उसकी जिंदगी बचाने के लिए रिबन नहीं जलाती एंड देन सडनली जूली गायब हो जाती है। ट्रिस्टन म्यूजिक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके रिबन को आग लगा देता है। तभी उसे एक चीख की आवाज आती है और रिबन उसके हाथ से छूट जाता है जिससे पूरे घर को आग लग गई थी। ट्रिस्टन जूली को ढूंढने के लिए सोफिया के रूम में जाता है जहाँ जूली बेहोश पड़ी थी।
वो उसे उठाकर किसी तरह घर से बाहर ले जाता है, मगर वो सांस नहीं ले रही थी। बट सडनली उसे होश आ जाता है। अगले दिन वो लोग सोफिया की कब्र पर फ्लावर्स रखते हैं। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और वो घर पर पार्टी थ्रो करते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स जूली से उस मोमेंट का पूछते हैं जब ट्रिस्टन ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। और यहाँ ट्रिस्टन नोटिस करता है कि जूली ने जो बताया वो सच नहीं था। उस रात ट्रिस्टन देखता है कि जूली ने शॉवर भी नहीं लिया, जबकि वो हर रात शॉवर लेती थी। ट्रिस्टन को ये थोड़ा अजीब लगा था। अगले दिन ऑफिस से वापस आने पर उसे वायलिन की आवाज आती है, जो कि जूली बजा रही थी। ये देखकर ट्रिस्टन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जूली को वायलिन बजाना नहीं आता था। कुछ टाइम बाद ट्रिस्टन गार्बेज फेंकने जाता है तो उसे डस्टबिन में अपनी और जूली की पुरानी फोटोज मिलती हैं। रात को डिनर पर वो देखता है कि जूली मीट खा रही है, जबकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी। उसके सो जाने के बाद ट्रिस्टन हरलीना से कॉन्टेक्ट करके अपनी और जूली की शादी का बताता है, तो वो कहती है कि तुम्हारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी जूली से नहीं हुई। ट्रिस्टन कंफर्म करने के लिए उसे दोबारा कार्ड रीड करने को कहता है, जिस पर वो बोलती है कि पास से आई हुई वो एंटिटी अभी भी यही है, और पूछती है कि क्या जूली का कभी सांस बंद हुआ था। साथ में वो बताती है कि जूली की स्पिरिट कहीं फंसी हुई है। हरलीना कहती है कि जूली को वापस लाने के लिए उस दूसरी औरत को मारना पड़ेगा और इस तरह वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। हरलीना ये भी बोलती है कि अगर अभी भी तुम जानना चाहते हो कि वो औरत जूली है या नहीं, तो तुम उसके पाँव को देखो। अगर वो जमीन पर ना लग रहे हुए तो वो जूली नहीं बल्कि कोई और है। तभी जूली के वहाँ आ जाने पर ट्रिस्टन कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। वो उसके पाँव भी देखने की कोशिश करता है, मगर नजर नहीं आते। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर जब जूली खाना लगाती है तो ट्रिस्टन अपना फोक नीचे गिरा देता है, और नीचे देखने पर ट्रिस्टन फ्रीज हो गया था कि उसकी वाइफ जूली नहीं बल्कि सोफिया थी। वापस ऊपर देखने पर सोफिया सामने नहीं होती, एंड देन वो पीछे से कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर ट्रिस्टन खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है, एंड देन सोफिया वहां आकर बताती है कि वो जूली से बेटर है। उसके बाहर जाने पर ट्रिस्टन किसी तरह खुद को छुड़ाकर गाड़ी में वहां से भाग जाता है। सडनली बैक सीट से सोफिया उसे चौक करने की कोशिश करती है और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पानी में गिर गई थी। ट्रिस्टन किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आता है, मगर उसे हरलीना की बात याद आती है कि इस लड़की का सांस बंद होते ही जूली वापस आ जाएगी। वो वापस जाकर जूली को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। अब की बार रियल जूली होश में आती है तो उसके हाथ में ट्रिस्टन का टैरेट कार्ड भी था। उसके बाद वो दोनों टैरेट कार्ड रीडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक दिन वहाँ हरलीना भी उनसे मिलने आती है। ट्रिस्टन उसे अपने लिए रीडिंग करने को कहता है और वो बोलती है कि तुम पास्ट को भूल जाओ, अब तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। लास्ट सीन में हम किसी अनसीन एंटिटी को रूम में एंटर होकर वायलिन बजाता देखते हैं, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।